यस बेटा, गुड आफ्टरनून चिल्ड्रन। बेटा आज की कक्षा में हम आरोह भाग दो के काले मेघा पानी दे पाठ पर चर्चा करते हैं। और इससे पहले की कक्षा में हमने बितान के सिल्वर वेडिंग और जूज पाठ के कुछ एमसीक्यूज किए थे। आज हम काले मेघा पानी दे पाठ के लेखक धर्मवीर भारती और पाठ का सार पढ़ते हैं। जैसा कि पाठ के नाम से पता लगता है, काले मेघा पानी दे मतलब काले बादल पानी दे, ये पुकार की जाती है। और इससे हमें थोड़ा सा अपने आप से ये ज्ञान हो जाता है कि कोई तो कारण होगा जो काले मेघा पानी दे ऐसा इस पाठ का नाम रखा गया। गर्मी बहुत पड़ रही है, बारिश नहीं हो रही, तो उस समय बच्चों ने ये काले मेघा पानी दे इंद्रसेना बनकर ऐसी पुकार लगाई कि किसी प्रकार से बादल बरस पड़े, इंद्र देवता प्रसन्न हो जाए। यहाँ सबसे पहले हम जानते हैं लेखक धर्मवीर भारती के बारे में। धर्मवीर भारती का जन्म 1926 के इलाहाबाद जिले में सन 1926 में हुआ था। इनके बचपन का कुछ समय इनका जो था आजमगढ़ मऊनाथ बंजन में। फिर अचानक ही इनके पिता की मृत्यु हो गई और पिता की मृत्यु के बाद घर में आर्थिक संकट, धन का संकट आ गया। उस समय इनका जो भी भरण पोषण का काम था इनके मामा अभय कृष्ण ने किया। सन 1942 में इन्होंने इंटर कॉलेज कायस्थ पाठशाला से इंटरमीडिएट किया और 1943 में प्रयाग विश्वविद्यालय से बीए पास करके 1947 में इन्होंने एमए हिंदी में पास किया। इसके पश्चात इन्होंने डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के निर्देशन में सिद्ध साहित्य पर शोध कार्य रिसर्च वर्क किया। जैसे कि आपको भी एग्जाम में रिसर्च वर्क दिया था कि आप नेट पर देख के आप इसके आंसर लिख सकते हो। फिर इन्होंने अभ्युदय और संगम पत्र में काम किया। उसके बाद प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में प्राध्यापक के पद पर काम किया। 1960 में लेकिन इन्होंने नौकरी छोड़कर धर्मयुग पत्रिका का संपादन किया। याद रखिए इस पत्रिका का नाम। दूसरा सप्तक में भी इनका विशेष स्थान था। इन्होंने कवि, उपन्यासकार, कहानीकार, पत्रकार, आलोचक के रूप में भी हिंदी जगत में अनेक अमूल्य रचनाएं दी। फिर इन्होंने इतना सब कुछ करने के बाद पद्मश्री, व्यास सम्मान और अन्य पुरस्कारों से इनको पुरस्कृत किया गया। और इन्होंने विदेशों की यात्राएं की, इंग्लैंड, जर्मनी, थाईलैंड, इंडोनेशिया आदि देशों की भी इन्होंने यात्राएं की। 1997 में इनका निधन हो गया, इनका देहांत हो गया। इनकी रचनाएं देखिए, इनके कुछ कविता संग्रह थे जिसमें कनुप्रिया, सात गीत वर्ष, ठंडा लोहा कहानी थी, संग्रह बंद, गली का आखिरी मकान, मुर्दों का गांव, चांद और टूटे लोग, उपन्यास थे सूरज का सातवां घोड़ा, गुनाहों का देवता। गीति नाट्य इन्होंने लिखा अंधा युग। निबंध संग्रह थे इनके पश्यंती, कहनी अनुकहनी, ठेले पर हिमालय, ये नाम है इनके निबंधों के, निबंध संग्रह के। आलोचना थी इनकी प्रगतिवाद, एक समीक्षा, मानव मूल्य साहित्य और एकांकी संग्रह था इनका नदी प्यासी थी। अब जानते हैं इनकी कुछ साहित्यिक विशेषताओं के बारे में। इनके लेखन की खासियत ये है कि ये इतनी सरल सहज भाषा में लिखते थे कि आम लोग, हर वर्ग के लोग, हर उम्र के लोग इसको पढ़ सकते थे। और ये मूल रूप से व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए मानवीय संबंधी रोमानी चेतना के रचनाकार रहे हैं। और फिर इनकी रचनाओं में रूमानियत संगीत में लय की तरह भी एक गीत की तरह भी यहाँ पर इसमें रचनाओं में
सब कुछ मौजूद है। इनकी कविताएं, कहानियां, उपन्यास, निबंध, गीति, नाट्य, रिपोर्टाज हिंदी साहित्य की विशेष उपलब्धियां रही हैं। इनका सबसे लोकप्रिय उपन्यास था गुनाहों का देवता। वो बहुत ही सरस और उसमें भावपूर्ण प्रेम कथा है। दूसरा उपन्यास था सूरज का सातवां घोड़ा। इस पर हिंदी फिल्म भी बन चुकी है। इस उपन्यास में प्रेम को उन्होंने केंद्र में रखकर जो निम्न निम्न वर्ग मध्य वर्ग की हताशा है, निराशा है, उनका आर्थिक संघर्ष है, पैसे से संबंधित जो उनका संघर्ष है वो, और नैतिक विचलता और अनाचार को चित्रित किया है। और ज्यादातर इन्होंने क्या किया, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में जो गिरते हुए जीवन मूल्य वैल्यूज थी, अनास्था थी, मोह भंग, विश्व युद्धों से उपजा हुआ डर और अमानवीयता की अभिव्यक्ति अंधा युग में हुई है। अंधा युग जो था वो गीति साहित्य में एक गीति साहित्य के श्रेष्ठ गीति नाट्यों में है। मानव मूल्य और साहित्य पुस्तक समाज सापेक्षता को साहित्य के अनिवार्य मूल्य रूप में ये विवेचन करती है। इनकी भाषा शैली इतनी सरल सहज थी कि ये आम बातचीत की भाषा में जो भी कुछ था आम बातचीत की भाषा में कहते थे और वो सीधे जो पढ़ने वाले हैं उनके मन को छू लेती थी। इन्होंने ऐसे ही साप्ताहिक पत्रिका धर्मयुग के संपादक रहते हुए हिंदी पत्रकारिता को सजा संवार कर गंभीर पत्रकारिता का एक मानक रूप बनाया। वस्तुतः धर्मवीर भारती का स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के साहित्यकारों में विशेष स्थान है। बेटा जैसा कि अब आप देखेंगे कि इनका लिखा हुआ जो काले मेघा पानी दे ये संस्मरण है, इसमें इतनी आसान इतनी सरल भाषा है कि आप भी पढ़ोगे तो बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए पाठ का प्रतिपाद्य और सारांश इस पाठ में, इस संस्मरण में लोक प्रचलित विश्वास, जो संसार में प्रचलित एक विश्वास है, और विज्ञान के द्वंद का यहाँ पर वर्णन किया गया है। विज्ञान का अपना तथ्य है और विश्वास का अपना सामर्थ्य है, शक्ति है। इनकी सार्थकता के विषय में जो एक शिक्षित वर्ग है वो भी डाउटफुल हो जाता है, असमंजस में हो जाता है कि लेखक यहाँ, लेखक धर्मवीर भारती ने भी इसी दुविधा को लेकर, इसी मुश्किल को लेकर पानी के संदर्भ में ये प्रसंग रचा है। आषाढ़ का पहला पखवाड़ा, आषाढ़ मतलब मई जून का, आपके वैसे तो आप अंग्रेजी महीने जो है जनवरी से शुरू करते हो, लेकिन अगर हम हिंदी में महीनों के बारे में जाने तो चैत्र, वैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़। चैत्र मार्च से शुरू होते हैं, मार्च, चैत्र, वैसाख, अप्रैल, फिर चैत्र, वैसाख, ज्येष्ठ, मई और आषाढ़, जून। अभी आप देख रहे हो कि जून के, अभी आपने देखा ही था कि जून के महीने में कितनी गर्मी होती है, कितना बरसात ना हो तो कैसे बुरी हालत हो जाती है। सेम वही चीज इस पाठ में, आषाढ़ का पहला पखवाड़ा बीत चुका, 15 दिन बीत चुके जून मंथ के, और ऐसे में खेती और अन्य कामों के लिए अगर पानी नहीं तो जीवन जो है एक प्रकार से चैलेंज, चुनौतियों का घर बन जाता है। और यदि विज्ञान इन चुनौतियों का कोई भी निराकरण, कोई भी समाधान नहीं करता तो क्या करते हैं जो आम लोग हैं, जो भगवान पर विश्वास रखते हैं, उत्सव धर्मी लोग हैं, वो भारतीय समाज किसी ना किसी जुगाड़ में लग जाते हैं। कुछ ना कुछ प्रपंच, कुछ ना कुछ कहानी बनाते हैं कि हर कीमत पर जीवित रहने के लिए अशिक्षा और बेबसी के भीतर से जो उपाय होते हैं, अशिक्षा और बेबसी के जो अंदर के उपाय हैं और काट की खोज करने लगते हैं। यहाँ पर लेखक धर्मवीर भारती हमें बताते हैं कि धर्मवीर भारती के अनुसार कि जब वर्षा की इंतजार करते करते लोगों की हालत खराब हो जाती है तो उस समय गांव में जो नंग धड़ंग किशोर हैं, आपके जैसे जो बच्चे हैं, 10-12 साल के जो बच्चे, वो शोर करते हुए क्या करते हैं, कीचड़ में लौटने लगते हैं, गलियों में घूमते हैं। और ये 10-12 साल की आयु के ही बच्चे होते हैं। ये सिर्फ क्या करते हैं, सिर्फ जांघिया या लंगोटी पहनकर गंगा मैया की जय बोलकर नारे लगाते हुए, पुकार करते हुए गलियों में चल पड़ते हैं। और जयकारा सुनते ही क्या होता है, जयकारा सुनते ही जो स्त्रियां हैं और लड़के हैं
वो छज्जों और बारजों से अपने अपने छज्जों से झांकने लगते हैं। फिर इस मंडली को क्या कहा जाता है? इंद्र सेना या मेंढक मंडली, या इंद्र सेना या मेंढक मंडली। इंद्र सेना इसलिए कहा जाता है क्योंकि इंद्र देवता ही तो पानी के देवता है, और इंद्र देवता तो इसलिए कहा जाता है कि वो इंद्र देवता, इंद्र मंडली तो इसलिए कहा जाता है, इंद्र सेना इसलिए कहा जाता है कि ये पानी की पुकार कर रहे हैं, इंद्र देवता से पानी मांग रहे हैं, इसलिए इंद्र की सेना है। मेंढक मंडली इसलिए कहा जाता है कि पानी से लथपथ होकर वो कीचड़ में लोटपोट हो रहे हैं, जैसे मेंढक है वो कैसे कीचड़ में लथपथ होता है, उसी प्रकार से इनको भी नाम दे दिया मेंढक मंडली। ये क्या पुकार लगाते हैं? काले मेघा पानी दे गुड़दानी दे, गगरी फूटी बैल प्यासा काले मेघा। जब ये ऐसी पुकार लगाते हैं, शोर मचाते हैं, ऑब्वियसली है कि घरों से निकलकर लोग देखने लगते हैं कि क्या हो गया। और उस समय ये मंडली जब किसी घर के सामने रुककर पानी की पुकार लगा रही होती है, तो जो घरों में सहेज कर संभाल कर जमा करके जो पानी रखा हुआ होता है, उस पानी से इन बच्चों को सिर से पैर तक तर कर दिया जाता है। जो घरों की स्त्रियां लड़कियां बाहर छज्जों से झांक रही होती हैं, वो इन बच्चों को अपने घरों से ही ऊपर से बाल्टियां भर भर के पानी की डालती हैं और इनको सर से पैर तक तर कर देती हैं। और ये भीगे बदन में क्या करते हैं? मिट्टी में भी लोटपोट करने लगते हैं। बच्चे तो हैं ये आपके जैसे शरारती बच्चे होते हैं, बच्चे शरारती, अगर शरारत नहीं करेंगे तो बच्चे कैसे कहलाएंगे? हंस के दिखाओ जरा सब बच्चे। यस, वीडियो ऑन करो अपनी, आई वॉन्ट योर वीडियो, मुस्कुरा के दिखाओ। बच्चे अगर शरारत नहीं करेंगे तो क्या बड़े करेंगे? बच्चे तो करेंगे ही। तो ये क्या करते हैं? मिट्टी में लोटपोट होने लगते हैं और कीचड़ से लथपथ हो जाते हैं। ये वो समय होता है कि जिस समय जगह हर जगह लोग गर्मी से भुनकर त्राही त्राही करने लगते हैं, त्राही मीन्स बचाओ बचाओ करने लगते हैं। कुएं सूख जाते हैं, नलों में पानी बहुत कम होने लगता है, और खेतों की मिट्टी में पपड़ी बन जाती है, जमीन फटने लगती है। जैसे कि खेतों की मिट्टी सूख जाती है तो अपने आप से ऐसा लगता है ना कि ये पपड़ी सी फट रही है। लू के कारण व्यक्ति बेहोश होने लगते हैं, मनुष्य तो क्या, पशु भी पानी की कमी से मरने लगते हैं, उनको भी तो पानी चाहिए, लेकिन बारिश का कहीं नामो निशान नहीं होता। जब पूजा पाठ आदि सब बेकार हो जाती है, फेल हो जाती है, विफल हो जाती है, तो इंद्र सेना अंतिम उपाय के तौर पर निकलती थी, इंद्र देवता से पानी की मांग करती थी। अब लेखक धर्मवीर भारती को ये चीज नहीं समझ में आती थी कि इतनी तो पानी की कमी है, लोग पानी के लिए चिल्ला रहे हैं, जमा रखा हुआ पानी कैसे इसके ऊपर ही फेंका जा रहा है। किस प्रकार से जमा किया हुआ पानी जो है वो इनके ऊपर फेंका जा रहा है। उनको लेखक को यही बात नहीं समझ में आ रही थी। वैसे लोग कह रहे हैं पानी की इतनी कमी है, अब जैसे कभी पानी ना आए तो हमारे घर में पानी की कमी है, हमने पानी जमा करके रखा हुआ है अपना किचन के लिए, नहाने धोने के लिए। अगर बच्चे ज्यादा पानी वेस्ट करने लगते हैं तो मम्मा कह देती है ना कि पानी तो वैसे ही नहीं आ रहा और तुम इतना पानी बेकार कर रहे हो। यहाँ लेखक भी इसी बात से सहमत है कि पानी की तो वैसे ही कमी है, और ये पानी जो है वो तो किस प्रकार से, ये पानी की इतनी कमी है, पानी किस प्रकार से फेंकते जा रहे हैं। तो इस प्रकार के अंधविश्वास से क्या होता है, ऐसे अनेकों अंधविश्वास है, इससे देश को नुकसान होता है। अगर ये सेना, लेखक कहते हैं धर्मवीर भारती की, अगर ये सेना इंद्र की है तो वो अपने लिए पानी खुद क्यों नहीं मांग लेते, तुम क्यों उनके ऊपर पानी फेंकते हो? ऐसे पाखंडों के कारण ही तो लेखक कहते हैं कि हम अंग्रेजों से पिछड़ गए थे और उनके गुलाम बने रहे, और उनकी जीजी, लेखक की जीजी जो थी वो लेखक से उम्र में उसकी माँ से भी बड़ी थी। वो सभी रीति रिवाज तीज त्योहार लेखक के हाथों से पूरा करवाती थी, जैसा कि आपकी मम्मा भी ऐसे करती हैं, जब पूजा पाठ कुछ भी करवा रही होती है तो आपके हाथों से पूरा करवाती हैं कि बच्चे तो मानते नहीं, जबरदस्ती आपका हाथ लगवाएंगी। कितने बच्चों के साथ कभी ऐसा होता है, कभी बताओ मुझे। यस, हैंड रेज करिए। कभी आपकी मम्मा ने भी ऐसा किया है कि
आप कुछ किसी चीज को मानते नहीं और मम्मा आपसे हाथ लगवाकर खुद ही देना चाहती हैं, कभी किसी को दान करना चाहती हैं या कुछ करना चाहती हैं, ऐसा कभी आप लोगों के साथ हुआ है? हैंड रेज करिए जरा, यस, शेयर करिए अपना एक्सपीरियंस, हैंड रेज करो, यतिन हैंड रेज करो और अपना एक्सपीरियंस बताओ, कभी ऐसा कुछ हुआ है तो। यतिन आर यू लिसनिंग? यस यतिन, आज मैं आपको यतिन अनम्यूट कर रही हूँ, आप बोलो, जवाब दो, बोलिए, अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए कि कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ कि आपकी मम्मा जबरदस्ती आपसे कोई चीज हाथ लगवाती हैं और फिर दान में देती हैं। पूजा अनुष्ठानों को लेखक के हाथों से उनकी जीजी पूरा करवाती थी। जिन अंधविश्वासों को लेखक खत्म करना चाहते थे, समाप्त करना चाहते थे, ये सब काम लेखक को पुण्य दिलाने के लिए कौन करवाता था? उनकी जीजी करवाती थी। जीजी लेखक से अब कहती है कि इंद्रसेना पर पानी फेंको। लेखक ने सांप मना कर दिया कि पानी की तो कमी है और मैं क्यों फेंकूं? तो फिर जीजी ने कांपते हुए हाथों से, डगमगाते पांव से इंद्रसेना पर पानी फेंकवाया। अब लेखक जीजी से मुंह फुलाए रहा। शाम को उसने क्या किया? जो जीजी ने खाने के लिए लड्डू मटरी वगैरह दी वो भी नहीं खाई। तो पहले तो उसने गुस्सा दिखाया, फिर उसको जीजी ने गोद में लेकर समझाया। उन्होंने कहा ये अंधविश्वास नहीं है बेटा, जो हम देंगे वो ही हमें मिलेगा। यदि हम पानी नहीं देंगे तो इंद्र देवता हमें पानी कैसे देंगे? ये पानी की बर्बादी नहीं है, ये पानी का अर्घ है। ऐसे तो हम सूर्य देवता को भी पानी देते हैं, अर्घ्य देते हैं। दान में देने पर ही इच्छित वस्तु मिलती है, ऋषियों ने दान को महान बताया है। बिना त्याग के कोई दान नहीं होता। जो करोड़पति है अगर वो 2-4 रुपए दान में दे देते हैं तो वो त्याग नहीं कहलाता। त्याग वो है कि अपनी जरूरत की चीज को जन कल्याण के लिए, लोगों की भलाई के लिए दिया जाए, ऐसे ही दान का फल मिलता है। अब लेखक जीजी के तर्कों के आगे क्या हो गया? पस्त हो गया, हार गया। फिर भी वो अपनी जिद पर अड़ा रहा। जीजी ने समझाया, मानती है कि तुम बहुत पढ़े लिखे हो लेकिन मैं अनपढ़ हूँ। फिर भी तुम सोचो, अगर किसान को 30-40 मन गेहूं उगानी होती है तो वो भी तो 5-6 सेर गेहूं जो है वो बोता है। इसी तरह हम अपने घर का पानी उन पर फेंक कर पानी की बुआई करते हैं। इसी से शहर कस्बा गांव पर पानी वाले बादलों की फसल आएगी। हम बीज बनाकर पानी देते हैं और फिर काले मेघा से पानी मांगते हैं। फिर जीजी और क्या समझाती कि ऋषि मुनियों ने भी कहा है कि पहले खुद दो तभी देवता चौगुना करके लौटाते हैं। ये आदमी का आचरण है जिससे सबका आचरण बनता है। जैसा राजा वैसी प्रजा, यथा राजा तथा प्रजा। और गांधी जी महाराज भी ये कहते हैं कि, लेखक कहता है कि ये बात तो 50 साल पुरानी होने के बावजूद आज भी उनके मन पर ये दर्ज है, मन पर उनके है ये बात। अनेक संदर्भों में ये बातें उसके मन को कचोटती हैं कि हम देश के लिए क्या करते हैं और देश से हम इतना कुछ मांगते हैं। अगर मेरी जीजी कहती है कि पहले कुछ दो और फिर तुम्हें मिलेगा, हम देश के लिए क्या करते हैं? हर क्षेत्र में हम मांगे बड़ी बड़ी करते हैं परंतु किसी का भी देश के लिए त्याग का नाम निशान नहीं है। आज सबका स्वार्थ ही एकमात्र लक्ष्य रह गया है। हम क्या करते हैं? भ्रष्टाचार की बातें करते हैं परंतु खुद अपने आप को नहीं देखते। काले मेघ उमड़ते हैं, पानी बरसता है परंतु गगरी फूटी की फूटी रह जाती है, बैल प्यासे के प्यासे रह जाते हैं। यह स्थिति कब बदलेगी कोई नहीं जानता, ये लेखक ऐसा कहते हैं। यहाँ पर गगरी फूटी बैल प्यासा, इसका मतलब है कि बैल जो है वो ग्रामीण जीवन का एक हिस्सा है और कृषि का सारा काम उसी पर आधारित होता है। वो खेतों को जोतकर अन्न उपजाता है। उसके प्यासे रहने से कृषि कार्य रुकावट में पड़ जाएगा, कृषि कार्य में रुकावट हो जाएगी। कृषि खेती को अगर ठीक ढंग से चलाना है और खेती को ठीक ढंग से ना चलाया जाए तो आम आदमी दुखी हो जाएगा, सुखी नहीं हो सकता। इस कारण इंद्रसेना के इस खेल गीत में बैलों के प्यासा रहने की बात कही गई है कि अगर
बैल प्यासे रहेंगे तो कोई भी सुखी नहीं रहेगा, क्योंकि सबका जीवन खेती पर निर्भर करता है। हम लोग जो भी कुछ खाते हैं, पीते हैं, पहनते हैं, वो कहाँ से मिलता है? खेती से ही तो हमें प्राप्त होता है। तो बेटा, आज के इस पाठ में, इस कक्षा में हमने काले मेघा पानी दे पाठ का सार किया, और कल हम इसी पाठ के अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न करेंगे। आप तैयार रहिएगा, पढ़कर आइए और इसके उत्तर दीजिए।